नमस्कार, आपके साथ मैं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी मुस्लिम आरक्षण पर हो रहे रण की, जो एक बार फिर से शुरू हो गया है। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद से यह रण फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 2010 के बाद दिए गए सारे जातियों को, जिन्हें मुस्लिम जातियों को जो ओबीसी में शामिल किया गया, इनको रद्द किया जाना चाहिए। अब ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ खुलकर रण छेड़ दिया है, लेकिन बात ममता बनर्जी की नहीं है, बात उस पूरे सिस्टम की है जो पिछड़ी जातियों के खिलाफ रहा है, और इसका जिक्र राहुल गांधी ने भी कर दिया है। आज महाभारत इसी पर हो रही है। एक तरफ मुस्लिम नीति का पर्दाफाश, जो कि ममता बनर्जी की नीति, जिस पर हंटर कोर्ट ने चलाया, और दूसरी तरफ पिछड़ा विरोधी सिस्टम, जिसको एक्सपोज हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद माना है कि पिछड़ी जातियों के खिलाफ ये पूरा प्रशासनिक सिस्टम, सरकारी सिस्टम रहा है। आज इन दोनों पर महाभारत में रण होगा। जब तक मोदी जिंदा है, कोई मायका लाल दलित का, आदिवासी का, पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता। एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा, ये मोदी का गारंटी। मुस्लिम तुष्टिकरण स्पष्ट इन लोगों के एक्टिविटीज के द्वारा, इनके कार्यकलापों के द्वारा स्पष्ट दिखता है, तो ये चुप्पी साधते हैं। तो जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, बंगाल में 2010 के बाद बने 5 लाख ओबीसी कार्ड रद्द होंगे, ये कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला है। और क्यों है? क्योंकि ममता बनर्जी ने ज्यादातर मुसलमानों को 2012 में आने के बाद ओबीसी श्रेणी में डाल दिया। अब 2012 में ममता ने 77 जातियां ऐसी थी जिन्हें ओबीसी लिस्ट में डाला। अब इनमें से 53 तो लेफ्ट ने पहले से ही चिन्हित की थी, ममता ने 35 और जातियां चिन्हित कर दी, इन सबको ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया। अब ममता बनर्जी की लिस्ट में 35 में से 33 तो मुस्लिम जातियां थी। अब इससे हुआ क्या? पश्चिम बंगाल में 92% मुसलमानों को आरक्षण में दे दिया गया, यानी कि 92% मुसलमान जनसंख्या पश्चिम बंगाल की को वहां पर ओबीसी का लाभ मिल रहा है। हाईकोर्ट ने कानून को असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि चुनावी वादा पूरा करने के लिए ममता बनर्जी ने ऐसा किया, और इसीलिए वो ओबीसी कार्ड अब रद्द होंगे। इस पर ममता बनर्जी हमलावर है और कह रही है हाईकोर्ट का फैसला मैं नहीं मानूंगी। वहीं दूसरी तरफ, क्या पिछड़ा जाति विरोधी सिस्टम रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने भी इसे खुलकर मान लिया है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की जो सरकारें पहले की रही वो पिछड़ा विरोधी रही, लेकिन सवाल यह है कि राहुल ने पिछड़ा विरोधी सिस्टम हटाने के लिए क्या किया? राहुल गांधी ने कर्नाटक में देखिए कैसे पिछड़ों का हक वहां मुसलमानों में बांटा गया, क्योंकि वहां पूरी के पूरे मुस्लिम वर्ग को ओबीसी श्रेणी में डाल दिया गया है, वहां मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी में डाला। तो ऐसे में सवाल यह कि राहुल गांधी अगर जानते हैं कि पिछड़ों का हक मारा गया, तो उनके आने के बाद ऐसा क्या बदलाव हुआ? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसे भी असंवैधानिक बताया है, और आंध्र और तेलंगाना में कांग्रेस ने यही कोशिश फिर से की है। ये नरेंद्र मोदी का हमला है। अब जो नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते हैं, वो अपने मुस्लिम तुष्टिकरण को क्या सही बताते हैं? आज इस पर महाभारत। पहले रिपोर्ट। आगजनी, तोड़फोड़, बवाल, ये ममता का बंगाल है, जहां छठे चरण की वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले तांडव मचा है। नंदीग्राम में बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। हिंसा में एक महिला बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई, तो बीजेपी सड़क पर उतर आई। प्रदर्शन और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं, वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है, और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार,
ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिला। ये पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में नंदीग्राम में तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर देने के लिए नहीं निकले। क्या बंगाल में बवाल के पीछे बड़ा कारण है? हाईकोर्ट ने ममता के मुस्लिम परस्त आरक्षण सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। 2010 के बाद बनाए गए 5 लाख से ज्यादा ओबीसी कार्ड रद्द कर दिए गए और पूरा कानून ही अवैध करार दे दिया है। और ममता बनर्जी तो अब कोर्ट का फैसला भी मानने को राजी नहीं है। পশুনীদের অধিকার সাংবিধানিক হিসাবে পায়, আদিবাসীরা আদিবাসীদের অধিকার সাংবিধানিক অধিকারে পায়, ওবিসিরা সংবিধান অনুযায়ী সংবিধানে কাঠামোর মধ্যে থেকে এই ওবিসি রিজার্ভেশন করা হয়েছে। ममता इसलिए भड़क रही है क्योंकि उन्होंने सरकार में आने के 1 साल बाद यानी 2012 में ऐसा कानून तैयार किया जिससे बंगाल की कुल 92% मुस्लिम आबादी ओबीसी आरक्षण के दायरे में आ गई। इसके खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट का कहना है कि लगता है धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी बनाया, जल्दबाजी में इन समुदायों को ओबीसी आरक्षण दिया। मुसलमानों को आरक्षण देना ममता का चुनावी वादा था, वादा पूरा करने के लिए असंवैधानिक तरीका अपनाया गया। सियासत के लिए ममता ने क्या संविधान को भी ताक पर रख दिया? आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा, ये मोदी का गारंटी है। ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी, एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। ममता जी ने संविधान की रक्षा की शपथ लेकर के वो मुख्यमंत्री बनी है और संविधान के से ऊपर कोई भी नहीं है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी ने बयान दिया है कि हम हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी, वो मुख्यमंत्री के पद पर एक क्षण के लिए रहने की अधिकारी नहीं रह गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ममता की मुस्लिम नीति का पर्दाफाश हो गया तो उधर राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस की सरकारों में बने पिछड़ा विरोधी सिस्टम की बात कबूली, मोदी हमलावर हो गए। कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया, शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों पिछड़ों आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी एसटी ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। 6 दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रही, उसमें गांधी नेहरू परिवार के 3 सदस्यों ने आधे वक्त तक यानी करीब 30 साल राज किया जिनमें ये सिस्टम बना, तो राहुल तब क्यों इसे सुधार नहीं पाए? मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूँ। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट। शुरू से कांग्रेस की मानसिकता ही ऐसी रही है, चाहे रंगनाथ मिश्र कमेटी हो और चाहे सच्चर कमेटी, हर बार दलित पिछड़े और आदिवासियों का हक छीनने की साजिश रखी गई। कांग्रेस का पूरा कालखंड ऐसे ही पापों से भरा हुआ है और वो पूरा का पूरा सच अब राहुल गांधी ने स्वयं स्वीकार किया है। कांग्रेस हो या ममता, दोनों पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए संविधान से खिलवाड़ का आरोप लग रहा है। विपक्ष मोदी पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाता है, लेकिन क्या ममता और राहुल के बयान ये नहीं दिखाते कि मुस्लिम तुष्टीकरण दोनों ही पार्टियों के चुनाव का हिस्सा है? क्या 24 में ममता को अपना गढ़ हारने का डर है, इसीलिए कोर्ट के खिलाफ भी वो खड़ी हो गई है? आज राहुल गांधी इतने सालों के बाद पिछड़े के हक मारे जाने की बात क्यों करते हैं? क्या चुनावी फायदे के लिए? इसी पर कर रही हूँ आज की महाभारत।